नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास आज है ये डेजर्ट कूलर जो हम सभी अक्सर घरों में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट वायरिंग सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास नया कूलर है या फिर कूलर में कोई दिक्कत आ गई है, जैसे वाटर पंप वगैरह ख़राब हो जाता है या फिर जो अपनी मेन मोटर है वो ख़राब हो जाती है, तो इसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें देख सकते हो दो स्विच लगे हुए हैं, तो एक में मैं वाटर पंप की वायरिंग करने वाला हूँ और दूसरे में करेंगे अपना जो मेन पंखा होता है, जो मेन मोटर होती है, इसकी वायरिंग। और ये जो कूलर है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे वायर बाहर निकले हुए हैं, तो ये वायर किस किस चीज़ के हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो सफ़ेद वाला तार है ये अपना मेन लाइन है, यानी कि मेन एसी करंट इसी से मिलेगा, इसी से पानी की मोटर चलेगी और इसी से जो है अपना मेन पंखा चलेगा। इसकी वायरिंग कैसे होती है वो आपको आगे दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से तार किस किस चीज़ के हैं। तो दोस्तों ये है अपनी पानी की मोटर, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पानी की मोटर है और इसमें ये वाला वायर जो है वो बाहर निकला हुआ है। इसमें ये क्योंकि ये तार थोड़ा छोटा आता है तो इसको लंबा करने के लिए इस तार को एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। यहाँ पे इसमें तीन छेद हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए तीनों छेदों से ये सफ़ेद वाला तार जो है वो यहाँ से आके बाहर गया हुआ है और ये जो पानी के पंप का यानी वाटर पंप का वायर जो है वो इस छेद से बाहर गया हुआ है, इस होल से बाहर गया हुआ है। और जो अपनी मेन मोटर है ये वाली मेन फैन जो है इसका जो वायर है वो बीच वाला है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो इस प्रकार से ये बाहर निकले हुए हैं। तो आइए इसकी फटाफट वायरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको मैकेनिक को बुलाकर 500-400 रुपए देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देखते हो ढंग से समझते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी होती है दोस्तों वायरिंग करनी। लेकिन अगर जिनको नहीं आती उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल भी होती है। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक जो हमारी मेन लाइन आ रही है बाहर से ये सफ़ेद वाली और एक जो मेन मोटर की है और एक वाटर पंप की है, तो तीनों में से एक एक तार लेना है। जैसे ये मैं वाटर पंप का एक वायर ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ अपना जो मेन पंखा है उसका तार, और एक जो बाहर से अपना जो मेन लाइन आ रही है उसका तार लेके और इस प्रकार से तीनों को एक साथ अटैच कर देता हूँ। तो इनको अटैच करने के बाद दोस्तों हमारे पास सिर्फ तीन वायर बचेंगे और तीनों वायरों की जो वायरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं इस पर सिंपली यहाँ पे टेप लगा देता हूँ क्योंकि हमें इन तारों के आगे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हालांकि वायरिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, काफ़ी सारे और भी तरीकों से वायरिंग की जा सकती है, लेकिन ये जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से टेप लगा के बंद कर देता हूँ। और टेप दोस्तों अच्छे से लगानी है क्योंकि ये पानी में चलता है और इसको बार बार टच भी करना पड़ता है। अगर ये कहीं से भी खुला रह जाता है और बॉडी के टच में रह जाता है, क्योंकि ये लोहे की बॉडी है तो इसमें करंट आ सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ये बॉडी से कहीं भी किसी भी तरह से टच ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपरली टेप लगा के ब्लॉक कर दिया है। अब दोस्तों हमारे पास ये तीन तार बचते हैं, ये देख लीजिए, जिसमें से एक जो बाहर से लाइन आ रही है उसका है, दूसरा हमारा जो मेन पंप है उसका है, और तीसरा जो है वो वाटर पंप का है। और हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि दो स्विच हैं जिसमें से एक दो तीन चार पोर्ट हैं और हमारे पास टोटल वायर है तीन। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि एक इस प्रकार का टुकड़ा लेना है छोटा सा, जिसको जो बाहर से तार आ रही है यानी कि जो एसी तार आ रही है उसमें इस प्रकार से जोड़ देना है उसका एक सिरा, ठीक है। और इस पर टेप नहीं लगानी है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसका करना क्या है। तो अभी इसको जोड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो दोनों स्विच हैं उसमें से एक स्विच में इसका इस वाले तार का ये वाला साइड यानी ये वाला सिरा यहाँ पे डाल के और इस स्क्रू को टाइट कर देंगे पेचकस से अच्छे तरह से, और जो ये वाला सिरा है ये दूसरे वाले स्विच में डाल देंगे। इनको आपको प्रॉपरली कस देना है अच्छे से ताकि शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग वगैरह ना हो। मैं इसको यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से यहाँ पे कस देता हूँ। तो ये कसने के बाद दोस्तों हमारे पास अभी क्या बचा, ये देखिए आप, सिर्फ दो तार बचे हैं और दो ही यहाँ पे पोर्ट बचे हुए हैं। तो ये देखो दो वायर बचे हैं हमारे पास जो कि खाली हैं, जिसमें से एक वाटर पंप का है और दूसरा मेन फैन का है, और यहाँ पे जो स्विच है इनमें भी दो पोर्ट बचे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो अब आपको ये जो भी आप जैसे पंप का कौन सा स्विच रखना चाहते हो उसमें पंप का वायर लगाना है, और फैन का कौन सा स्विच रखना चाहते हो उसमें फ़ैन का वायर लगाना है, सिंपली इतना ही इसमें करना होता है। तो जैसे मैं इस वाले को फ़ैन का रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फ़ैन का ये वाला वायर है तो मैं इसको इस सिरे पर इस प्रकार से
लगा देता हूँ और इसको कर देंगे सिंपली टाइट। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसान है, अगर वैसे आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप पॉज करके भी सीख सकते हो कि किस प्रकार से वायरिंग होती है। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है वायरिंग करने में, तो मैंने आपको सबसे आसान जो तरीका होता है वायरिंग करने का, कूलर की वायरिंग करने का, वो सिखाया है। अगर आपका स्विच वगैरह ख़राब हो जाए तब भी आप इस प्रकार लगा सकते हो, पानी की मोटर ख़राब हो जाए यानी कि वाटर पंप ख़राब हो जाए तब भी आप इस प्रकार से इसको लगा सकते हो, और मेन मोटर ख़राब हो जाए तब भी अगर आपको चेंज करनी हो तो इस प्रकार से वायरिंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा लूज़ है, मैं इसको थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ। अभी मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। तो ये अपनी वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं इसको मेन लाइन में लगा रहा हूँ और इसके बाद दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मेन लाइन में लगा दिया है, और लगाने के बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ से देखिए इसको ऑन करता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने मेन मोटर का रखा था, तो ये मोटर जो है प्रॉपरली काम कर रही है। अब मैं आपको पंप चला के दिखाता हूँ। तो पंप की शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि प्रॉपरली आपको दिखे कि अपनी वायरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हुई है। तो ये मैंने पानी की बाल्टी यहाँ पे रख रखी है, तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और डालने के बाद फिर से स्विच को लगाता हूँ, और लगाने के बाद इसको करता हूँ ऑन। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी जो है वो मोटर अभी डूबी नहीं है, थोड़ा सा ये देखो इसकी आवाज़ सुना देता हूँ आपको, माइक पास में ले जाके इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों मैंने इसमें पानी और डाल दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि अधूरा छोड़ना ठीक नहीं रहता। तो ये देखिए मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, ये जो पंप है इसने पानी उठाना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हो आप। और इधर से मैं इसको फैन को चलाता हूँ, तो ये देखो आप, ठीक है, पंप को बंद करता हूँ तो ये पंप बंद हो जाता है, फैन को बंद करता हूँ तो ये फैन बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इजीली वायरिंग कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ एक बार, और क्योंकि ये एसी करंट का काम है तो आपको मेन जो वायर है या मेन स्विच है उसको बंद करके और उसको निकाल के ही ये वायरिंग करनी है, अदरवाइज़ झटका लग सकता है, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।